केतार से इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। केतार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर पंचायत के बख्शीपुर पहाड़ी के समीप बड़े पैमाने पर एक बार फिर से राजस्व की चोरी कर पत्थर माफियाओं के द्वारा जेसीबी मशीन से पत्थर निकालकर ढुलाई किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग के रक्षक गहरी नींद में सो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां से पत्थर निकाला एवं ढुलाई किया जा रहा है वह स्थल एक पक्ष का भूमि अब बताकर निकालने में सहयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी पक्ष भी उसी भूमि को अपनी भूमि बताकर निकाले जा रहे पत्थरों का खुले रूप से विरोध किया जा रहा है, जिसे दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताते चले कि हाल ही में क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा करोड़ों की लागत से गाडवाल का शिलान्यास सिंहपुर स्थित नदी के किनारे किया गया था। उसी गाडवाल में बनाने को लेकर उक्त निकाले जा रहे पत्थरों की बिक्री माफियाओं द्वारा ऊंची कीमत लेकर आधी रात को पहुंचाया जा रहा है। पूछे जाने पर उक्त रेंजर प्रमोद कुमार ठाकुर ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है, उसे तत्काल ही बंद करा दिया गया है। अभी यह कहना ठीक नहीं है कि वह भूमि फॉरेस्ट का है या रेती का, उस स्थल का जांच चल रहा है, जांच उपरांत ही उक्त मामले को लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सिंहपुर का निवासी हूँ। हमारा जमीन ये बख्शीपुर में पड़ता है, 20 एकड़ 18 डिसमिल। उस जमीन में राजू तिवारी का जेसीबी और उसके उनका जो अथी है भतीजा छोटू तिवारी और अभिषेक तिवारी के द्वारा जेसीबी चला करके उनसे हमारा जमीन से पत्थर निकाल करके और सिंहपुर अथी गाडवाल में भेजा जा रहा है। और पूछने पर वो कहता है कि हम ले जाएंगे और सरकार का राजस्व की चोरी कर रहा है। ठीक है, हमारी भूमि है, सरकार की संपत्ति है, तो ये संपत्ति मैं लीज कराता या कोई आके लीज कराता तो सरकार को राजस्व हो जाता तो सरकार के लाभ होता, लेकिन ये चोरी कर करके ये लोग अथी में गाडवाल में 10 बजे रात में और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और विधायक माननीय विधायक जी के दम पर ये लोग सारा दमंगी कर रहा है। क्या यही होगा? माननीय विधायक जी यही कहते हैं कि तुम चोरी करो, सरकार के राजस्व मत दो, डकैती करो। यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारी भूमि है, हमारा जमीन है, हमारा रसीद कटता है रैयती भूमि से, बा जबरदस्ती ये लोग दमंगी आदमी है, माफिया है, बालू भी चुराता है और बोल्डर भी चुराता है और प्रशासन के पास हम लोग भी जाते हैं तो प्रशासन मौन धारण करके बैठा हुआ है। बताइए कैसे हम लोग जिंदा रहे। अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 8002820182।